अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड आप लोगों को मैं टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने किस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और अगर आपने लट से तुक्का लगाना है तो आप किस तरीके से तुक्का लगाओगे। अब कुछ अर्से पहले, ये समझ लो 2-3 हफ्ते पहले, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने NED के बारे में आप लोगों को बताया था कि एक तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के, कुछ मैंने बताया था कि भाई आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अच्छा NED का टेंस होता कैसा है, कितने MCQs किस सब्जेक्ट के क्या होते हैं, तो मैंने डिटेल से बताया था। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो देख लेना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MCQs के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स, किस तरीके से आपने MCQs को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज़, मैं MCQs की क्लासिफिकेशन आपको बता दूँ। देखो, जब भी हम MCQs सॉल्व करते हैं, आप भी जब देखो, स्पेसिफिकली तो मैं NED के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो जनरल है, कोई भी आप MCQs पेपर है आपका, किसी भी टाइप का है, उसमें आपके लिए चीज़ें वैलिड हैं सारी की सारी। 10 मैं टिप्स बताऊँगा आपको, अगर उस पर आप अमल करोगे तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और वो इन सब पे मैं अमल खुद करता हुआ आ रहा हूँ। फ़ायदा ये और उसका रिजल्ट ये है कि मुझे कोई सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से तुक्का मार के कुछ ना कुछ कर लेता हूँ उसके अंदर। तो सबसे पहले तो भाई, जब आप कोई भी टेस्ट दोगे MCQs वाला, तो उसमें आपको तकरीबन 3-4 टाइप के MCQs मिलेंगे। सबसे पहले तो वो MCQs होगा कि भाई जिसमें सबसे इजी वाले MCQs होंगे, और ये हर टाइप के टेस्ट में होते हैं, NED में भी होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आपको इजी वाले आराम से मिल जाते हैं MCQs। ऐसे MCQs जो 10 से 15 सेकेंड के अंदर आप आसानी से कर सकते हो। फिर आते हैं वो MCQs जिसको आप आराम से 1 मिनट के अंदर कर लेते हो, आप देखते हो, आप समझ जाते हो और आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। अच्छा, एवरेज अगर आप निकालो तो एक MCQs के लिए 1.25 मिनट आपके पास है, ठीक है, तो उन MCQs को आप आसानी से कर लेते हो। फिर तीसरी टाइप ये होती है कि जो थोड़े से हार्ड होते हैं, हार्ड और लेंथी होते हैं, आपको पता है इनको कैसे करना है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जैसे अगर आप सेकेंड ईयर में बात करो, तो सेकेंड ईयर में हाइपरबोला की लेट से एक मुश्किल से इक्वेशन आ जाए और आपसे बोला जाए कि भाई आप इसकी लेट से फोसाई निकालो या वर्टिसेस निकालो, तो अब आपको पता है कि यार सॉल्व करना आता है आपको सवाल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 मिनट लग जाएंगे। तो इन पे भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन MCQs को छोड़ो नहीं, अगर 2 मिनट भी लग रहे हैं तो आप 2 मिनट MCQs पे लाजमी लगाओ। क्यों? क्योंकि ये आपके सॉलिड नंबर है। देखो, कुछ MCQs आपके 5 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ MCQs अगर 2 मिनट में हो रहे हैं तो आपका लॉस नहीं हो रहा, एवरेज फिर भी 1 मिनट ही आ रहा है और आपको तकरीबन 1.25 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तो तीसरी कैटेगरी है, इसको भी आपने छोड़ना नहीं है, आपने सॉल्व करना है। ये नहीं देखो कि भाई हार्ड है, 1.5-2 मिनट लेगा, मैं छोड़ दूँ, ये आपके सॉलिड नंबर है, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। फिर चौथी टाइप वो आती है कि जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है या बहुत ही कम आइडिया है, ठीक है, उस पर ये समझ लो आप 10 से 20 सेकेंड सोचो, उसके बाद उसको छोड़ दो, उस पर टाइम मत ज़ाया करो। आमतौर पर जो आपको नहीं आ रहा होता आप उस पर टाइम ज़ाया कर रहे होते हो, आपने ये हरकत नहीं करनी, टाइम ज़ाया ना करो, 10 से 20 सेकेंड सोचो, नहीं समझ आ रहा स्किप कर दो उसको। और इन टाइप के MCQs का क्या करोगे, लेट से 25 MCQs आते हैं मैथमेटिक्स के, 20 आपको सही आते हैं, ठीक है, 5 आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, तो आप क्या करो, उन 5 को छोड़ दो। मैंने बताया था कि 25 MCQs के लिए आप तकरीबन 30 मिनट रखो, तो आप 25 मिनट में 20 MCQs कर लो, बाकी जो आपको नहीं आते वो 5 मिनट में आप कर लो, तुक्का मार लो, और तुक्का किस तरीके से मारोगे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो मैंने MCQs की क्लासिफिकेशन बता दी है। अब देखो, शुरू की 3 टाइप थी, वो तो आपको आती है, स्ट्रेट अवे आपने वो करने हैं, चाहे 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, 5 सेकंड लगे, आपने वो लाजमी करने, क्योंकि वो आपके सॉलिड नंबर है। ये जो आखिरी टाइप है ना, जिसका आपको कुछ नहीं आता, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और बाकी कुछ टिप्स मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली टिप जो डिस्कस करूंगा वो मैं ये करूंगा कि भाई आमतौर पर स्टूडेंट करते क्या है, किसी भी MCQs को सॉल्व जब करते हैं तो वो डायरेक्ट जो राइट ऑप्शन है उसको ढूंढ रहे होते हैं। आपने हमेशा राइट ऑप्शन को नहीं ढूंढना, आपने कितने सवालों में ये देखना है कि भाई इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है। क्यों? अगर एक सवाल आप देख रहे हो उसमें आपको राइट ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो, अगर 4 ऑप्शन है उसमें से आप ढूंढो गलत कौन सा है। यार कुछ बड़े इजी होते हैं, जैसे मतलब लेट कर लो, मतलब नेचर ऑफ रूट का सवाल है, उसमें जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास रूट जो आ रहे थे, लेट से 3 और √2 आ रहे हैं, 2 रूट आ रहे हैं, 3 और √2। अब ऑप्शन में लिखा हुआ है रियल रैशनल, रियल इरेशनल, और बाकी 2 ऑप्शन में इमेजनरी लिखा हुआ है। अब आप देख के बता दो कि भाई 3 और √2 इमेजनरी नहीं हो सकते, तो बाकी के 2 ऑप्शन को आप काट दो, ठीक है, जो शुरू के 2 ऑप्शन है। फिर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि भाई 50% चांस है, 4 में से आपने 2 MCQs मतलब 2 गलत कर दिए, 2 ठीक होंगे ऑब्वियसली। जब उसमें आप तुक्का मारोगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आप जो तुक्का मारो वो
राइट लगेगा, ठीक है। तो हमेशा ये ना ढूंढो कि भाई इसमें राइट कौन सा, अगर नहीं आ रहा तो आप रॉन्ग वाले निकाल दो, जो बाकी बचे उन पर थोड़ा सोचो और उस पर तुक्का मार दो, जो आपको समझ आ रहा है आप उस तरीके से कर दो। दूसरी ट्रिक मैं ये डिस्कस करूंगा कि हमेशा आप एमसीक्यूज को सॉल्व ना करो। जैसे एक सवाल है, लेट से एक सेंटर गिवन है आपको और बोला हुआ है कि एक लाइन इस सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, तो अब आप नहीं सॉल्व कर सकते इसको, भाई एक पॉइंट से कैसे इक्वेशन निकालोगे आप लाइन की, ऑप्शन में सारी इक्वेशन गिवन है आपको, तो आप बैक सॉल्व करो, मतलब आप एमसीक्यूज के ऑप्शन से सॉल्व करो, आप उस पॉइंट को पुट करो हर ऑप्शन में, जो ठीक है आप टिक लगा दो उसके ऊपर। तो हमेशा आप एमसीक्यूज देख कर सॉल्व ना करने लग जाओ, आप ऑप्शन से भी गेस कर सकते हो कि भाई इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो ये दूसरी टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरी टिप अगर आप देखो तो भाई एनएडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है, ऐसी जिन यूनिवर्सिटीज में या जिन एमसीक्यूज टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढो, मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो जो कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो, और आप वो लाजमी कैलकुलेटर की हेल्प से अपने टाइम को बचाओ। जो कैलकुलेटर आपको आसानी से कर देगा, आप क्यों मैनुअली सॉल्व करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो जिस यूनिवर्सिटीज में जिस टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ है, लाजमी जो मुश्किल कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेटर से करो, ठीक है। उसके बाद चौथी टिप ये है कि भाई कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें ऑल ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी इस टाइप के ऑप्शन होते हैं, तो इन पे आपने खास फोकस रखना है। क्यों? देखो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि चार ऑप्शन है, उसमें से आपने दो गैस कर लिए कि यार दो जो है ये ठीक है, तीसरे का आपको नहीं पता और चौथा ऑल ऑफ दीज है। अब देखो जब दो ऑप्शन ठीक हैं तो क्या दोनों पर टिक लगाओगे? तो इसमें हाई चांसेस हैं कि ऑल ऑफ दीज, तीसरे के बारे में आपको नहीं पता तो इसमें चांसेस क्या होंगे भाई ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन आपको सही लगेगा। तो ऑल ऑफ दीज, इसी तरह बोथ ए एंड बी, इस टाइप के ऑप्शन जो हैं इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाले ऑप्शन ठीक होते हैं। तो जिस सवाल में ऑल ऑफ दीज, बोथ या कभी नन ऑफ अबव, ये भी काफ़ी लग जाता है, तो इन पर आप खास फोकस करना और इन पर देखना कि भाई ज़्यादातर ये ठीक होते हैं। उसके बाद पांचवी टिप ये है कि भाई आपने हर दफ़ा जब आपके पास पेपर आए तो आपने पूरे पेपर को नहीं पढ़ना। अगर मैथ के पोर्शन है लेट से 25 एमसीक्यूज हैं तो 25 के 25 आपने नहीं पढ़ने, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है कि आपने भाई जैसे पेपर आया आपने पहले एमसीक्यू से स्टार्ट कर देना सॉल्व करना, सोचना नहीं है कुछ कि यार मैं पूरा पेपर पढ़ लूंगा मुझे फ़ायदा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कख नहीं होगा उससे, ठीक है, नुकसान होगा, टाइम ज़ाया होगा। तो आपने कोशिश यही रखनी है कि भाई किसी तरीके से आप जैसे ही पेपर आए आपने स्टार्ट से सॉल्व करने लग जाना, पेपर नहीं आपने पढ़ना, ठीक है। इसी के साथ छठी टिप मेरी ये होगी कि भाई आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैं भी शुरू में ऐसे ही करता था कि भाई जब आपका लेट से दो घंटे का एनएडी का दो घंटे का पेपर होता है तो स्टूडेंट रिलैक्स होते हैं, चिल विल है, इधर उधर देख रहे हैं, बस हंस रहे हैं, कोई दोस्त बैठा हुआ है उसके साथ बस आंखों में बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और एंड पे जाके स्पीड पकड़ी भी होती है और वो फिर गलत कर कर आ जाते हैं। तो आपने अपनी स्पीड को शुरू में यूनिफॉर्म रखना है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से आपने फुल टाइम जाना है, ये नहीं कि शुरू में आप बहुत आहिस्ता हो गए हो एंड पे आप प्रेशर में आके गलत कर दो, स्पीड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सातवीं ट्रिक जो मैं पेपर चेक करता था स्टूडेंट के, वो मुझे मिलती थी उसमें कि यार वो एमसीक्यू उसको छोड़ दिया करते थे, ये गलती आपने नहीं करनी, 100 एमसीक्यूज हैं तो 100 को 100 अटेम्प्ट करो आप। अगर देखो एनएडी में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, तो फिर किस चीज़ का डर है आपको? एमसीक्यूज आपने नहीं छोड़ने, आपने एमसीक्यूज लाजमी करने हैं। कुछ ऐसे इम्तिहान हैं जिसमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आप ये देख लो, लेट से अगर उसमें 5 ऑप्शन है, कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज होते हैं पेपर होते हैं जिसमें 5-5 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें फिर आप छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि 5 ऑप्शन में से तुक्का लगाओगे तो हाई चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 20% के ठीक हो, तो उसमें आपका ज़्यादा चांसेस है कि गलत होगा और आपके नेगेटिव मतलब मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो उसमें आप फिर तुक्का नहीं लगाओगे लेकिन मतलब अटेम्प्ट नहीं करोगे उसको, क्योंकि रिस्क है उसके अंदर। लेकिन एनएडी या बाकी यूनिवर्सिटी जिसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो उसमें आपने कुछ छोड़ना नहीं है, आपने सब अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वीडियो मेरी बन गई है कितने मिनट की, 9 मिनट की। आठवीं ट्रिक मैं ये डिस्कस करूँगा कि भाई आपने जो एमसीक्यूज है उसको पूरा पढ़ना है। ये गलती मैं भी करता था ऑब्वियसली, इन सब मरहाइल से मैं गुजर के आया हूँ, क्योंकि कुछ इंटरमीडिएट में इतने टेस्ट दिए, फिर यूनिवर्सिटी आके तो मतलब टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, पेपर ही पेपर, 8 सेमेस्टर में पता नहीं कितने टेस्ट दिए। तो सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हो जाता है, इंसान ने सब पढ़ा हुआ है भाई, वो एमसीक्यू उसकी शुरू की लाइन पढ़ता है और कहता है यार ठीक है मुझे तो समझ आ गई है, वो ऑप्शन लगा कर आ जाता है, हालांकि उसकी अगली लाइन में ट्विस्ट था, अब वो ट्विस्ट था जिसकी वजह से आपका गलत हो गया। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई पूरा आपने ऑप्शन से ही पढ़ना है, जब पूरा ऑप्शन पढ़ लो उसके बाद आप डिसाइड करोगे इसका राइट ऑप्शन क्या, आधा पढ़ोगे नुकसान उठाओगे, पूरा सही तरीके से आपने सवाल पढ़ना है।
नवी जो टिप होगी वो ये होगी कि अगर आपके पास BCQs आ रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो कि दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं आपको, तो आपने बेस्ट वाला चूज करना है उससे। जो मैंने आपको NID के पास पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें अगर आप देखो तो चैप्टर 5 ग्रुप जो है उसमें कितने सवाल हैं जिसमें दो तीन ऑप्शन ठीक हैं, तो हम उसमें से बेस्ट वाला जो है वो चूज करते थे। तो अगर दो तीन ऑप्शन ठीक है तो आपने बेस्ट वाला जो है ना, और वो आपको पता चल जाएगा, वो आपने चूज करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। उसके बाद क्या कहते हैं, आखिरी ट्रिक है, 10वीं ट्रिक है कि जब आप तुक्का मारो तो उसको इंसानों की तरह तुक्का मारो, ठीक है। तुक्का ये नहीं होता कि भाई आप ये पैटर्न बनाओ कि भाई या तो बिस्मिल्लाह पढ़ लो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप तुक्का लगाते जाओ। कुछ लोग करते हैं बी, मतलब कुछ भी इस तरह वो कुछ भी पैटर्न बना देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं ए ए ए फिर बी 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 इस तरह लगा देंगे, कुछ भी नहीं है, कचरा कर रहे हो आप, ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये तुक्का लगाने का तरीका नहीं होता। तुक्का लगाने का सबसे पहला स्टेप तो मैंने शुरू में बताया था आपको कि भाई आपने रॉन्ग ऑप्शन को हटा देना है। सबसे पहले देखो, आपने जब सॉल्व करना है तो आपने देखना है कि रॉन्ग ऑप्शन कौन कौन से हैं। इतने तो आप जाहिल नहीं हो कि भाई आपको यही नहीं पता चला रॉन्ग कौन से, इतना तो आपने नॉलेज हासिल करके टेस्ट देने जा रहे होगे ना, तो ये आप गेस कर लोगे कि भाई ये वाला MCQs, ये दो ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। तो जब आप दो निकाल दोगे तो बाकी कितने पीछे बचेंगे, दो बचेंगे। तो तुक्का लगाने का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, 50% चांसेस हो जाएंगे कि आप तुक्का लगाओ और आपका ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो एक तो तुक्का लगाने का तरीका ये कि आप रॉन्ग वाले को हटा दो, ये बेस्ट तरीका है तुक्का लगाने का। उसके बाद फिर ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आखिरी प्रायोरिटी रखो तुक्का लगाने की, कि आमतौर पर मैंने खुद ये देखा हुआ, ऑब्जर्व किया हुआ कि डी ऑप्शन जो है वो आमतौर पर नहीं होता। मैंने पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी, जितने मैंने MCQs बनाए, खुद भी मैंने जो MCQs बनाए, डी आमतौर पर राइट ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो जब कोई ऑप्शन ना हो तुक्का लगाने का आपके पास, रॉन्ग भी आपको नहीं समझ आ रहा कि भाई इसमें कौन कौन से रॉन्ग है, चारों में आप फंस गए हो, तो फिर एंड पे ये होगा कि आप शुरू के एक दो तीन जो है ABC ऑप्शन जो है उसमें से आपको तुक्का लगा दो, ठीक है। लेकिन तुक्का आपने, जिसको हम बोलते हैं ना एजुकेटेड गैस, आपने तमीज से गैस करना है, एक पढ़ा लिखा गैस करना है, पढ़ा लिखा तुक्का लगाना है, रैंडमली तुक्का नहीं लगा देना। और तुक्का लगाने की बेस्ट टेक्निक जो है वो मैंने बता दी है कि आपने रॉन्ग ऑप्शन को ख़त्म कर देना है, उसके बाद जो राइट बचे हैं उसमें तुक्का लगाने की बहुत अच्छा चांसेस है कि आप तुक्का लगाओ और वो ठीक हो जाए। तो भाई 10 टिप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, यही मेरे जहन में थी, यही मैंने कुछ सर्च की थी, यही मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। बाकी यही है कि भाई खुद आप लोग जितने इम्तिहान दोगे आप खुद सीखोगे कि भाई किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है ये कि कुछ लोग किसी मेथड को बहुत अच्छा समझते हैं कि यार ये मेथड मैंने अप्लाई किया बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो खुद जब एक्सपीरियंस करोगे, खुद जब आप धक्के खाओगे, खुद जब नंबर कम आएंगे, जितने टेस्ट देते रहोगे आइडिया होता जाएगा कि भाई ये गलतियाँ हो रही हैं, किस तरह इन गलतियों को हमने ओवरकम करना है, ठीक है। मैंने आपको 10 बता दी हैं, ये तुक्का किस तरह लगाओगे, सॉल्व किस तरह करोगे, और जितनी बातें थी वो मैंने कवर करवा दी। अगर कुछ रह गया तो भाई आप डिस्कस कर लो मुझसे। बाकी NID से रिलेटेड जो भी मटेरियल था, चाहे वो पास्ट पेपर्स हो, चाहे वो NID के एंट्री टेस्ट के बारे में हो, चाहे MCQs जो मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है, चाहे वो कैलकुलेटर के टिक्स हों कि कैलकुलेटर किस तरह आपने करना है, सब चीज़ें मैंने कवर करवा दी। अब हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है आप लोगों को, दुआएं हैं इंशाल्लाह अच्छा टेस्ट होगा आप लोगों का। बाकी मुझे भी दुआ दे देना अगर अच्छा टेस्ट हो गया, और अगर बुरा टेस्ट हुआ तो भाई फिर भी दुआएं दे देना, तुम लोगों का मसला है, मेरा मसला नहीं है, मैंने सही तरीके से हर चीज़ सॉल्व करवाई है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना, गुड लक। सबसे इम्पोर्टेंट टिक, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना पेपर को, बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी कर लेना। ये तुम लोगों को शुक्र करना चाहिए कि तुम लोग NID के टेस्ट में अपीयर भी हो रहे हो। तुम लोग 10,000 स्टूडेंट होते हैं तकरीबन जो NID का टेस्ट दे रहे होते हैं, शायद मैं गलत हूँ या जो भी है, तकरीबन 10,000 दे रहे होते हैं, तो तुम लोग उन 10,000 में से हो, तो खुद समझ लो लाखों स्टूडेंट हैं हमारे इंटरमीडिएट और इस लेवल के, उसमें से 10,000 तुम लोग टेस्ट दे रहे हो, तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग अपीयर हुए हो। तो एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर लेना एंड होने के बाद, ठीक है। बाकी जो नसीब में वही होगा, मेहनत पे डिपेंड करता है, मेहनत करोगे तो अच्छे आएंगे नंबर, अगर आप मेहनती नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे जाके, ठीक है। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।